हेलो, अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ रोटिक राम आरिफ। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें। आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है एन्जाइटी। इसको हम उर्दू ज़ुबान में कहते हैं बेचैनी, बेचैनी कहते हैं, डिप्रेशन कहते हैं। आपको पता है जो साइकेट्रिक बीमारियाँ हैं उनमें जो एन्जाइटी का है जो नंबर है वो टॉप टॉप के ऊपर है। जो एन्जाइटी, आपको बताया कि जैसे कोविड का इन्वायरमेंट चल रहा है एक दो साल से, पिछले एक दो साल से, तो इसमें एन्जाइटी या डिप्रेशन बहुत से लोगों में देखी गई है। या हम रोज़मर्रा के जो काम कर रहे होते हैं उनमें भी हमें एन्जाइटी या डिप्रेशन होता है। आप अपने इर्द गिर्द, अपने घर वालों के अंदर, अपने दोस्तों के अंदर या ख़ुद के अंदर आप अपने एन्जाइटी के कुछ इलामत हैं जो आप महसूस करते हैं और इसका शिकार भी होते हैं। उसमें जो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं जो एन्जाइटी है ये होती क्यों है। एंजाइटी बेसिकली ऐसे होता है कि हम बैठे हैं जैसे, तो हम कुछ ना कुछ सोच रहे हैं कि मैंने अगर बाहर जाना है, बाहर जाके ये चीज़ लेनी है। अगर कोई स्टूडेंट है, स्टूडेंट ये सोच रहा होगा कि मेरा इतना काम पड़ा है, मैं कुछ सोच मतलब ये इतना मैंने काम पढ़ना है, ये मैंने अपनी असाइनमेंट कंप्लीट करनी है। अगर एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम के दिनों में आपने देखा होगा कि आपके जब ऊपर बर्डन ज़्यादा होता है तो आपके ऊपर आप एन्जाइटी का शिकार होते हैं, डिप्रेशन का शिकार होते हैं। तो अगर आपको जॉब वाला बंदा है, उसके ऊपर कोई काम का स्ट्रेस है, वो काम का बर्डन है, उसकी वजह से वो काम के बर्डन को अपने अगर सर पे सवार कर लेता है या अपने सोचता रहता है एक चीज़ को, तो वो भी एंजाइटी का शिकार हो सकता है। उसके बाद कोई भी आपकी फील्ड है उसके अंदर आप अगर आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, आप रोज़मर्रा के जो काम है, आप अपने कहीं मार्केट जाना है, अपने कुछ घर के जो खावतीन हैं उन्होंने डिफरेंट काम करने होते हैं घर के, अगर वो बार बार सोचेंगी तो उसमें ये होगा कि आपके जो दिमाग है वो ज़्यादा काम करना शुरू हो जाएगा। जैसे कंप्यूटर है, कंप्यूटर पे एक फाइल खोलते हैं, हम दूसरी फाइल खोलते हैं, फिर तीसरी फाइल खोलते हैं, जब बहुत सारी फाइल्स खुल जाती हैं तो आपका जो सिस्टम है थोड़ा हैंग हो जाता है, तो सिस्टम थोड़ा स्लो हो जाता है। ऐसे ही आपके दिमाग के साथ होता है, जब आप बहुत सारी चीज़ें सोच रहे होते हैं तो आपका दिमाग जो है स्लो हो जाता है, हैंग हो जाता है। तो ऐसी सूरत में आपकी जो बॉडी है वो रिस्पॉन्स करती है, वो आपके जो है रिस्पॉन्स के तौर पे जिसमें एक जो है आपका एक हार्मोन रिलीज़ करती है जिसको हम कार्टिसोल कहते हैं। जब कार्टिसोल रिलीज़ होता है उसके साथ कुछ और हार्मोन होते हैं जिसमें एड्रीनालिन कहते हैं, जिसको या हम एपिनेफ्रिन कहते हैं, वो रिलीज़ होते हैं। जैसे हम आपने कुछ बुक्स में पढ़ा भी होगा, फाइट या फ्लाइट जो होती है उसमें आपके डिफरेंट्स हार्मोन रिलीज होते हैं जिसमें एड्रीनालिन, नॉन एड्रीनालिन होते हैं, वो आपके जिस्म जो दिल की धड़कन है उसको बढ़ा देते हैं। तो जब ये आपके जिस्म में इतने सारे, जब ब्रेन स्लो हो जाएगा तो आपके कार्टिसोल पैदा होगा, एड्रीनालिन पैदा होगा, आपके दिल की धड़कन तेज़ होना शुरू हो जाएगी। जब दिल की धड़कन तेज़ होगी इस सूरत में आपको सांस चढ़ना शुरू हो जाएगा, मतलब ज़ोर ज़ोर से आप ऐसे ऐसे सांस लेना शुरू कर देंगे। दूसरा ये होगा कि आपके कुछ लोगों को होता है कि दिल की धड़कन बढ़ने के साथ और सांस की रफ्तार तेज़ होने के साथ ठंडे पसीने आना शुरू हो जाते हैं और आपके जो है जिस्म ठंडा हो जाता है। कुछ लोगों की जो है एंजाइटी की इलामत के अंदर नींद कम हो जाती है, नींद कम होने के साथ कुछ लोगों में चिड़चिड़ापन हो जाता है, गुस्सा आता है बहुत ज़्यादा, आप जो रोज़मर्रा के काम कर रहे होते हैं उसकी रूटीन डिस्टर्ब हो जाती है, आप उस पर फोकस नहीं कर पाते। और दूसरा ये होता है कि आपका जो सोशल रिलेशनशिप होता है वो आपका डिस्टर्ब हो जाता है, आपके लोगों के साथ ताल्लुकात बेहतर नहीं रहते, ये भी सारी एंजाइटी की इलामत के अंदर आता है। अब देख लेते हैं कि जो एंजाइटी है उसको हम ट्रीट कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले ये हो जाता है कि ज़्यादातर लोग कहते हैं कि हमें दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, कुछ हो जाता है, जो हम काम कर रहे हैं उसको, आपको काम को अगर बहुत ज़्यादा बर्डन है उसको काम को डिवाइड करने की ज़रूरत है, उसको थोड़ा थोड़ा करके करें, एक ही टाइम पे उसको सर पे सवार ना करें। दूसरा ये होता है कि आपको आप उसको अपनी अटेंशन डाइवर्ट कर लें। अगर स्टूडेंट हैं वो अगर नमा कोई अगर कोई मतलब पढ़ने का काम ज़्यादा है, थोड़ा सा आप पढ़ लें कर लें, उसके बाद कुछ खा लें या नमाज़ पढ़ लें, उसके बाद कुछ जो है आपके पढ़ने की रूटीन खाने के बाद कर लें या नमाज़ के बाद कर लें, ऐसे आप उसको डाइवर्ट कर लें अपने माइंड को, इससे आपकी स्ट्रेस कम हो जाती है। दूसरा ये हो जाता है कि आपको जो चीज़ ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है उस पर फोकस ना करें, उसकी जगह आप जैसे अगर कोई वो है कोई आपको जो चीज़ पसंद है वो कर लें, आपको कंप्यूटर देख सकते हैं, कोई मूवी देख सकते हैं, कोई अगर खेलना चाहे फुटबॉल खेल सकता है, क्रिकेट खेल सकता है,
डिफरेंट चीज़ें हैं जो आपके टाइम जो जो फोकस है उससे आपकी अटेंशन डाइवर्ट कर दें, वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती हैं। दूसरा होता है, कुछ लोग कहते हैं मुझे नींद नहीं आती, तो नींद की ये होती है कि इलाज ज़्यादातर ये नहीं होता कि आपको फ़ौरन गोलियों के ऊपर डाल दिया जाए, उसमें कुछ नींद की गोलियाँ होती हैं उसमें आप फ़ौरन उसके डिपेंडेंट हो जाते हैं, जब डिपेंडेंट हो जाते हैं उससे आपको नींद की गोलियों को छोड़ना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। तो इसमें सबसे पहले हो जाता है कि आपको जब नींद नहीं आ रही तो आप एक्सरसाइज करें, जब एक्सरसाइज करेंगे तो आपके जिस्म थोड़ा थकेगा, थोड़ी आपके जिस्म फटीग आएगी, उसके बाद आपको एक अच्छी नींद आती है। कुछ लोग जैसे कुछ बूढ़े लोग हैं जो एक्सरसाइज नहीं कर सकते, इसके जिस्म में वो नहीं है, फिर उनको हम ये होता है कि लो डोज के अंदर उनको हम जो होती है नींद वाली गोलियां देते हैं, जिसमें एंटी डिप्रेशन आ जाती है, एंटी साइकोटिक डिफरेंट मेडिसिन है, वो आपका जो प्राइमरी फिजिशियन है आपकी हालत के मुताबिक वो आपको डोज एडजस्ट करके आपको देता है। तो दूसरी चीज़ ये आ गई। तीसरी चीज़ होती है कि जैसे हम देखा है कि हम लेट नाइट स्पाइसी फूड्स खा रहे होते हैं, स्पाइसी फूड खाने से ही होता है कि आपका मैदा डिस्टर्ब होता है, उसकी वजह से भी आपका कभी कभी आपको ठंडे पसीने आना शुरू हो जाते हैं, टैकीकार्डिया शुरू होता है, दिल की धड़कन तेज़ होना महसूस होना शुरू हो जाती है। तीसरी एडवाइस ये है कि आप खाना लेट ना खाएं, ज़्यादा स्पाइसी या मिर्चों वाली चीज़ें ना खाएं या तली हुई चीज़ें ना खाएं, ये भी आपको एनजाइटी से बचा सकती हैं। तीसरी ये होती है कि अपनी बिहेवियर वो आप मॉडिफिकेशन करें, मतलब आपको जैसे मैंने बताया अपनी अटेंशन डाइवर्ट करें, वो काम करें जिनमें आपको सुकून मिलता है या आपको जिसमें आपको मतलब आप रिलैक्स महसूस करते हैं अपने आप को, ये सारी उसकी ट्रीटमेंट है। अगर इस ट्रीटमेंट के बावजूद आप मतलब कुछ बेहतर नहीं होते, आप साइकेट्रिस्ट से या साइकोलॉजिस्ट से रब्ता कर सकते हैं, साइकोलॉजिस्ट होता है वो साइकोथेरापी से आपकी ट्रीटमेंट कर देगा कर सकता है, ये कुछ मेडिसिन होती है जिसमें एंटी डिप्रेसेंट या एंटी साइकोटिक होती हैं, वो आपकी लो डोज से हाई डोज की तरफ आपको एडजस्ट करके देते हैं। तो इसमें ये होता है कि ज़्यादातर ये मेडिसिन 3 महीने भी दी जाती हैं, कुछ 6 महीने भी दी जाती हैं, और ये होता है कि एनजाइटी जो होती है वो काबिले इलाज होती है, इसमें आपको कोई ज़्यादातर वो ज़रूरत नहीं है कि काबिले इलाज नहीं है, एक काबिले इलाज भी है, इसमें कुछ आपकी एफर्ट भी होती है, कुछ मेडिसिन आप दे रहे होते हैं डॉक्टर उसकी भी कुछ ना कुछ रोल होता है इसमें। इस तरह की बहुत सारी वीडियो के लिए मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, अगर कोई आपके जहन में सवाल हो तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।